है बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है बोना बहादुर। बहुत समय पहले किसी गांव में बालू अपने माता पिता के साथ रहता था। बालू बहुत बोना था और क्योंकि उसका घर जंगल के बहुत पास था, इसलिए उसके माता पिता उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। उन्हें डर था कि कहीं कोई जानवर उसे खा ना जाए। लेकिन बोना होने के बावजूद बालू बहुत ही चालाक और बहादुर था। वो हमेशा उनसे कहता, पिताजी मैं बोना हूँ पर किसी से कम नहीं हूँ। बालू के पास एक छोटी सी तलवार थी जिससे वो रोज अभ्यास किया करता था। मेरी तलवार के रहते कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन बालू अपने माता पिता के साथ तांगे पर कहीं जा रहा था कि तभी उनके सामने बहुत बड़ा और भयानक राक्षस आ गया। उसके सिर पर एक बहुत बड़ा सींग था। एक दो तीन, तीन तीन इंसान, आज तो मजा ही आ जाएगा। राक्षस को देखते ही बालू के माता पिता डर के मारे बेहोश हो गए। बालू ने ये देखा तो वो जल्दी से कूदकर आगे आया और बिना समय गवाए तांगे की दिशा बदलकर तेजी से तांगा चलाने लगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आप दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। रुक जा बोने, मैं आज तुम तीनों को खाकर ही रहूंगा। ये कहकर राक्षस उड़ता हुआ उसका पीछा करने लगा। बालू तेजी से तांगा चलाता हुआ जा रहा था लेकिन राक्षस उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। ये देखकर बालू सोचने लगा, ये राक्षस मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मुझे इसे बताना ही होगा कि मैं कौन हूँ। ये सोचकर उसने टांगा रोका। वो कूद कर टांगे से उतरा और राक्षस से बोला, अरे ओ राक्षस, अगर तुम हमें खाना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे अकल और ताकत दोनों में हराना होगा। तुम छोटे से इंसान, तुम मुझे ताकत में क्या हराओगे? और तुम इतने छोटे से तो हो तो तुम में अक्ल भी छोटी सी ही होगी, इसलिए मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। ठीक है, तो ये बताओ, अगर तुम अपने माता पिता के साथ एक जंगल के रास्ते से जा रहे हो और तुम्हारे सामने एक सींग वाला राक्षस आ जाए तो तुम उससे बचने के लिए क्या करोगे? ये तो बहुत ही आसान सवाल है। मैं उस राक्षस का सींग तोड़ दूंगा, क्योंकि सींग वाले राक्षसों की ताकत उनके सींग में होती है। और सुनो, राक्षसों के दांत देखने में मजबूत लगते हैं जबकि असल में वो बहुत कमजोर होते हैं। अच्छा हाँ, और अब मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया, इसलिए मैं जीत गया। चलो अब ताकत का मुकाबला करते हैं। और रुको बड़बोले राक्षस, तुम जीत कर भी हार गए और मैं हार कर भी जीत गया। क्या मतलब? मतलब हार कर जीतने वाले को बालू कहते हैं। ये कहकर बालू जल्दी से अपने टांगे पर चढ़ा और फिर कूद कर उसने अपनी तलवार से एक ही झटके में राक्षस का सींग काट दिया। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। ये कहकर राक्षस धुआं बनकर उड़ गया। तभी बालू के माता पिता भी बेहोशी से जाग गए। बेटा बालू, तुम ठीक तो हो? उस राक्षस ने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं पिताजी, वो राक्षस तो धुआं हो गया। इसके बाद बालू ने उन्हें सारी बात बताई कि किस तरह उसने राक्षस को अपनी अकल और ताकत दोनों के इस्तेमाल से हराया। यह बात सुनकर बालू के माता पिता बहुत खुश हुए। बालू, तुमने सही कहा था, तुम बोने जरूर हो पर किसी से कम नहीं हो। तुम हमारे बोना बहादुर हो। बालू के पिताजी को ये नाम बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बालू से कहा, बालू तुम्हारी बहादुरी को देखते हुए आज से मैं तुम्हारा नाम बोना बहादुर रखता हूँ। इस तरह बालू ने उस राक्षस को भी हराया और उसे उसका नया नाम बोना बहादुर भी मिल गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि छोटा या बड़ा होने से कुछ नहीं होता, असल में हमारी हिम्मत ही हमें छोटा या बड़ा बनाती है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।